जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। जिस जिस को सुपुत्र श्री राम देंगे, जिस जिस को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुपुत्र मिलेगी कि वो आएंगे। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इनवाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक, मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएँ और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। MIM चीफ का कहना है कि बाबरी मस्जिद पे अब तक जो है नमाज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो अब चली गई, जिसे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, अब वो चली गई वो बात। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। कई हजार साल पहले यहाँ पे श्री राम राज्य था, लेकिन राम जो है, उनका किरदार, उनका चरित्र जो है, वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवंत है, वो जिंदा है हर हिंदुस्तानी के दिल में। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को, तो स्वयं श्री राम जो हैं वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में, हमें ये सौभाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राज्य का जो है वो पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म होगा। आप MP हरदेव सिंह कह रहे हैं कि मुझे बागियों की परवाह नहीं, पर मैं तो जाऊँगा। जिस जिस को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस जिस को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।